सो हम लोग 14वें अध्याय में है। इसके पहले जो 1 बजे सातवां अध्याय चल रहा था, उस समय मैंने एक बात कही थी, और पिछले संडे को जो मराठी गीता हुआ था उसमें भी एक बात कही थी। आई फील लाइक इट रिलेट्स मोस्टली, एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंटली टू द 14th चैप्टर, जहाँ हम लोग 14वें अध्याय में है। तो मेरे विचार में आई विल ब्रिंग दैट अप, क्योंकि उससे फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं ये गुणों के विषय में, जो है गुणत्रय विभाग योग चल रहा है 14वां अध्याय यहाँ पर उसके विषय में। एंड सो फॉर कॉन्टेक्स्ट, जैसे अलग अलग सिद्धांत होते हैं, अद्वैत सिद्धांत है, द्वैत सिद्धांत है, द्वैत अद्वैत सिद्धांत है, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत है, सिद्धांत मतलब जो जो भी प्रूफ्स है जिन जिन संतों को उसके अनुभव हुए, एंड गोल जो रीच हुए उसको सिद्धांत कहा, द एंड फाइनल प्रिंसिपल, द फाइनल ट्रूथ सिद्धांत अर्थात। तो जैसे आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैत सिद्धांत, वेदांत के विषय में हम जानते हैं अद्वैत सिद्धांत की दो नहीं एक ही है वाला जो सिद्धांत है, और फिर माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, गोविंदाचार्य, इन्होंने अपने अपने अलग अलग सिद्धांत किए। किसी ने कहा द्वैत हाँ दो है, किसी ने कहा द्वैत अद्वैत है दोनों है, द्वैत भी अद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है, कि हाँ द्वैत है लेकिन उसमें एक विशेष विशेष होता है जो अद्वैत, ऐसे अलग अलग अपने प्रिंसिपल से उनके उनके संप्रदाय चले। दे ऑल मेक सेंस इन देयर ओन वेज, उनकी उनकी दृष्टि से देखे तो ठीक है, बराबर है, कोई एक दूसरे की बात को बुरा नहीं कह सकता, करना कहना नहीं है, और वो शायद कहते भी नहीं है, लेकिन अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। से 12वें स्कंध में भागवत के 11वें स्कंध में उद्धव जी ने प्रश्न पूछा था श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को अंतिम दिन, कि इनमें से फिर सच्चा कौन है, ये सांख्य है, ये ऐसा है वैसा है सिद्धांत, फिर किसको फॉलो करे, बराबर कौन है, तुम तो भगवान हो, तुम्हारे विषय में ये लड़ रहे हैं सब, ऐसा है नहीं दो नहीं, ये दो है नहीं एक है, नहीं अनेक है, तो तुम ही बता दो ना इनमें से बराबर किसने बराबर कहा, कौन सा सिद्धांत। तो भगवान ने भी उसका उत्तर भी उल्टा पुल्टा कर दिया, कहते सभी बराबर है, सीधा स्पष्ट कहा इनमें से कोई गलत नहीं है, तो फिर ये कैसे है कि, लेकिन ये तो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, उल्टा कह रहे, एक जो कर रहा है उसके उल्टा ये कर रहा है, अथवा मिक्स्ड बातें कर रहे, ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है, तो फिर से भगवान कहते हैं नहीं सब सबके सब बराबर है, इनमें से एक भी गलत नहीं है, बात इतनी है कि सबके व्यूज लिमिटेड है, कि उनकी दृष्टि से जितना समझ में आता है इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि वो गलत है, इतना ही है कि वो उतना देख पा रहे उतना समझ पा रहे उतना कहा, उधर से जो देख पा रहे उनको जो दिख रहा है वो डिस्क्राइब कर रहे उतना, तो इधर वाला भी पहाड़ बराबर है, उधर वाला पहाड़ भी सही है, उधर वाला पहाड़ भी सही है, सभी पहाड़ों के अलग अलग व्यूज है, इसका कोई मतलब नहीं है कि इधर वाले पहाड़ से कि उधर वाले पहाड़ से, जिस तू जिधर खड़ा है उस पहाड़ से चढ़ चढ़ ले तो पहाड़ खड़ा चढ़ा लेगा, इनमें से इसलिए सभी बराबर है, बिकॉज दे यू कैन फॉलो एनी वन ऑफ देयर पाथ्स एंड स्टिल क्लाइम द माउंटेन ऑफ ट्रूथ एंड स्टिल रीच द पीक ऑफ इट, और जो चोटी पर पहुंचता है वो फिर पूरा 360 डिग्री व्यू। उद्धव ने प्रश्न इनके बारे में नहीं किया था, शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, ये तो अभी 500, 600, 800, 900 साल पहले वाले, 1000 साल से कम ही सभी, शंकराचार्य वाज द ओल्डेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज, लेकिन ऑल ऑफ दीज इंक्लूडिंग शंकराचार्य हैव बीन अराउंड लेस देन 1000 ईयर्स, ये तो 5000 साल वाली पहले वाली बात है। जैसे कपिल मुनि का सांख्य शास्त्र है, ऐसे ब्रह्म सूत्र है व्यास मुनि का, इनके विषय में कह रहे थे, तो भगवान ने कहा नो जस्ट पिक वन पाथ, इट्स ऑलमोस्ट लाइक काइंड ऑफ सिमिलर टू व्हाट आई वाज सेइंग अर्लियर, कि पिक वन रेस, स्टिक विद इट फेथफुली सिंसियरली, डोंट वरी अबाउट, लेकिन ये तो ऐसा कह रहे वो तो ऐसा कह रहे, तो क्योंकि महत्व तो इसका नहीं है कि उन्होंने क्या कहा इनके मार्ग में क्या, महत्व तो इसका है कि हम अंदर की प्रगति कैसे हुई, सारा प्रवास, सारी प्रगति, सारी सारा ट्रैवल, कितने भी गाइड मैप हो, कितने भी GPS हो, कितने भी डायरेक्शंस हो, कितने भी लोग ऊपर चढ़ के आए नीचे आ गए उन्होंने बताया, लेकिन अंत में प्रोग्रेस तभी होगा जब हम चलना शुरू करेंगे, हम जब चलना शुरू करेंगे तब अपने आप समझ में आने लगेगा कि या ये रास्ता तो है लेकिन हमसे नहीं बन पाएगा, इतनी खाई लंबी हम नहीं जा पाएंगे, तो फिर भी दूसरा मार्ग ढूंढ के चलते रहने से, इसलिए मोर इम्पोर्टेंट इज टू फोकस ऑन आवर ओन
साधना देन वरिंग अबाउट विच वन इज राइट, पहुंच के ऊपर गए। तो ऐसे ही इनमें से गौड़िया मठ, गौड़िया संप्रदाय कहते हैं, जिसमें गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु का अस्तित्व आया, ब्रह्मा जी से चलती, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था जो ब्रह्म संहिता नाम के 100 अध्यायों में है। उधर ब्रह्मा जी ने नारद जी को ऐसे करते करते जो चला, वो गौड़ पाद, पाद मतलब संस्कृत में पैर, भगवान के चरणों में जिनकी रति है, भक्ति मार्ग के जो है उनसे चला हुआ जो संप्रदाय है, जैसे नारद मुनि भक्ति मार्ग थे, तो उसमें उनके लिनियज में जो आए हुए सब कह सकते हैं कि सबसे प्रमुख, सबसे धुरंधर, सबसे प्रभावशाली, सबसे इन्फ्लुएंशियल, सबसे मेमोरेबल, सबसे समर्थ कह सकते हैं जो चैतन्य महाप्रभु का, मेरे विचार में तो अवश्य है, लेकिन आई फील लाइक दैट्स द ट्रूथ विच वुड बी एक्सेप्टेबल टू एवरीवन। गौड़िया संप्रदाय में उनका अचिंत्य भेदाभेद जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जैसे ये अलग अलग उनके, उनका अचिंत्य भेद अभेद, ये मैंने 2-3 बार पहले उल्लेख किया, लेकिन ये इस अध्याय से जुड़ा हुआ है, 14वें अध्याय से, rather 14th chapter clarifies that even more। मेरे जितना जितना मैं अभ्यास करता हूँ दिखाई देता है, समझ में आता है कि ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कहीं पर भी जिसको भगवद्गीता मैग्नीफाई नहीं कर सकती। मैग्नीफाइंग लेंस है भगवद्गीता, मानो जैसे हमारे हाथ में मैग्नीफाइंग लेंस हो, किताबें हजारों हो सकती है बारीक बारीक प्रिंट में लिखी हुई, जो हम अपनी आंखों से नहीं पढ़ नहीं पाते, इतनी बारीक लिखी हुई पढ़ नहीं पाते, तो फिर समझने का प्रश्न ही नहीं है उसमें क्या लिखा है, पढ़ ही नहीं पाते, इतना सूक्ष्म लिखा है, इतने क्लिष्ट है। लेकिन अगर मैग्नीफाइंग लेंस हो, एक ही हो, ज्यादा ना हो, एक ही मैग्नीफाइंग लेंस, हजारों किताबें भी आ जाए, तो उसके सामने मैग्नीफाइंग लेंस रखा तो सूक्ष्म लिखा हुआ जो अदरवाइज समझ नहीं पाते थे, हम अपनी आंखों से पढ़ नहीं पाते थे, वो मैग्नीफाइंग लेंस से अचानक पढ़ने लग गए, तो धीरे 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 एवरी सेंटेंस स्टार्टिंग टू मेक सेंस, बिकॉज वी कैन नाउ रीड इट, एंड बिकॉज वी कैन रीड इट वी कैन अंडरस्टैंड इट ऑल्सो। सो आई लाइकन भगवद्गीता टू दैट काइंड ऑफ अ मैग्नीफाइंग लेंस अंडर विच एवरीथिंग फॉर मी एट लीस्ट हैज मेड सेंस। और फिर मैं अनुभव भी करता हूँ ऐसे ही कि कॉन्फ्लिक्ट कहीं नहीं है, देखने की दृष्टि जब बराबर मिल जाए, चश्मा बराबर जब लग जाए, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखाई देती, कंसिस्टेंसी दिखाई देती, क्रिएटिविटी दिखाई देती है। सो अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत इज लाइक दैट, जिसमें जो इट ब्रिंग्स एवरीथिंग टुगेदर, एंड भगवद्गीता इवन ऑन टॉप ऑफ दैट पुट्स अ मैग्नीफाइंग लेंस ऑन इट। And then I am able to relate chapter 7, chapter 14, in particular Satvar Chodavadhyay. Lekin to tell you the truth, many other places make a lot of sense in light of the Achinta Bhidabed. So the reason I'm bringing itna lamba choda context dekhi, idhar isliye la raha hun, ye bahut hi directly connected hai is adhyay ke saath. Is aur saate dono se, itna hi nahi, lekin agar ये इस भगवद गीता रूपी मैग्नीफाइंग लेंस के नीचे रखकर अचिंत्य भेदाभेद को अगर समझ ले, जैसे मैंने प्रयास करके अपने लिए समझ लिया, तो सारी गुत्थियां खुल जाती है। लाइक लिटरली इट्स लाइक नो क्वेश्चन लेफ्ट अनएंसर्ड, नो क्वेश्चन लेफ्ट पीरियड, ऐसे हो जाता है इन दिस रेस टू यूज योर वर्ड, ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। इससे ये नहीं पता चलेगा कि वो उस सेंचुरी में कौन राजा था और कौन प्रेसिडेंट था, आई डोंट नो, गीता में भी नहीं और अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत में भी नहीं है, लेकिन दोनों में इतना है कि उसका कोई मतलब नहीं है, वो ऐसे फालतू बातें कचरा है, समय बर्बादी है, उनमें उस रेस में नहीं दौड़ना है, ये बातें उधर तो इसलिए महत्व की नहीं है। सो अगेन टू क्लैरिफाई, वंस वी पिक दिस रेस, once we have these tools with us, एक तो चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य भेदाभेद और दूसरा भगवद्गीता रूपी मैग्नीफाइंग लेंस, एक बार इस बात को पक्का फिट हो गया तो बहुत पढ़ना, बहुत सुनना ये नहीं, फिर खाली थोड़ा सोच के अपने अंदर में अपना करना, क्लैरिफाई करना, एकदम
वो स्त्री करते आयन करते तो सारी रिंकल, इतनी रिंकल्स थी, ओ माय गॉड, पहनने लायक नहीं था, ऐसा हो गया था पूरा। लेकिन जब स्त्री थोड़े स्टीम से स्टार्ट से कर दिया तो एकदम झकपक हो गया, साबुन के निकल पड़े। ऐसा जीवन जो अभी रही उलझ गया है, रिंकल्ड अप है, कि ऐसा लगता है ये क्या है यार, इसमें कोई नथिंग इन इट। वो इससे जब हो जाएगा रिंक आयन आउट ऑल द रिंकल, देन ऐसा पहन के निकल निकल चलेंगे पड़ेंगे। सो इट इज वर्थ इट। वैसे भी ये छोड़ के दूसरा कुछ किया तो कुछ नहीं होगा, और जो होगा वो कुछ, उसका कोई मतलब ही नहीं है। सबका अनुभव है, बड़े में बड़ों का, अमीरों में अमीरों का, प्रसिद्ध में प्रसिद्धों का, शक्तिमानों के शक्तिमानों में, सब का अनुभव है। जिन जो कबूल नहीं करते उनके जीवन का अंत हम देख पाते हैं। इसलिए अपना सौभाग्य, अपनी बुद्धिमानी इसी में है। और वैसे भी इन दिनों में विशेष उसका महत्व है, नवरात्रियों में, कि जब अश्विन मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष की आज की तृतीया है, नवरात्रियों में से तीसरा दिन चल रहा है, जो अष्टभुजा देवी दुर्गा का जो उत्सव चल रहा है, ये तो और ही डायरेक्टली रिलेटेड इसके साथ। सो दैट्स वाई रादर देन जस्ट गोइंग टू द नेक्स्ट श्लोक, वी आर इन द मिडल ऑफ द मिडल ऑफ द चैप्टर, आई थिंक 14th चैप्टर वी वर इन। जस्ट फॉर रेफरेंस, वी कंप्लीटेड 9, आई थिंक, या तो 10वें श्लोक से शुरू करने से मैं उचित समझता हूँ कि इसको, ये बड़ी प्राइवेट और बड़ी सीक्रेट बात है, बहुत ही ज्यादा अनुपलब्ध है ये सब, ये कहीं नहीं सुनी होगी बात, किसी सत्संग में नहीं, किसी कहीं किसी जगह पर इस प्रकार से किसी किताब में भी नहीं लिखा होगा। ये दोनों को साथ में लाने वाला विचार, गीता और अचिंत्य भेदा वेद को। सो व्हाई डोंट वी स्पेंड सम टाइम ऑन दैट। माय होप इज दैट दैट विल क्लैरिफाई और फंडे क्लियर कर देगा जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर, कि हम कौन है, हम इधर कैसे फंस गए, क्या झंझट है, करना क्या है, इधर से छूटे कैसे, छुट्टी मतलब होता क्या है, ये सब सारे प्रश्नों के अगर उत्तर मिल जाए तो फिर तो बस जिस रेस में भेज दो, चलो दौड़े अपने उधर मजे में, जो ऑलरेडी जीत गया हो, जो वो क्या सा क्या खेलते हो, लूडो वाली बात क्या होती है, चौरस जैसा, चार लोग मिलके खेलते हैं पर्चे सी, जिसके चारों गोटी अंदर में चली गई है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जब सारे सारी रेस जीत, उसके बाद में बैठे रहता है, मजा लेता है, ठीक है, फिर भी साथ में बैठे हैं, कौन आगे की वो तो खेले, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहा है ऑलरेडी, अथवा तो मोनोपोली में मिलियनेयर्स एकर्स और गेम ऑफ लाइफ जो भी है उसमें। सो ऐसे ये जब रेस, अगेन दिस इज एन इवन अ रेस, दिस इज नॉट कम्पीटिंग, दिस इज कम्प्लीटिंग द हाफ फिनिश बिजनेस। सो इसलिए इधर ध्यान दे, मतलब इस विषय पर। सो एंड हियर इज हाउ इट गोज। एक भगवान है, सत्य कहे, परमात्मा कहे, भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, प्रभु, जो जिस नाम से, एक जो भी है, फाइनल जो है, अल्टीमेट जो है, सुप्रीम जो है, इसको मैं कृष्ण कहता हूं, तो आप अपना नाम लगा दे। वो उसके विषय, उसको ही लेकर सारे दो ये चल रहे वाद विवाद, अचिंत्य भेदा भेद। अचिंत्य मतलब इमेजिन अबाउट, थिंक अबाउट समथिंग दैट वी कैन रैप आवर हेड अराउंड एंड वी कैन अंडरस्टैंड। अचिंत्य इज नॉट पॉसिबल टू फुल्ली ग्रास्प इट, अनग्रास्पेबल, नॉट बिकॉज वो टॉपिक बहुत ढंग का नहीं है, किसी के मन का कंकॉक्टेड है, नहीं, नॉट नॉट बिकॉज हमारा डिवाइस लिमिटेड है ना, समुद्र को उबालना हो तो अपनी कढ़ाई, कितनी बड़ी कढ़ाई लाएंगे, कढ़ाई में समुद्र को उबाल पाएंगे, कढ़ाई कढ़ाई चल, हाँ हम लोग एक कढ़ाई, फिर से दूसरी कढ़ाई, तीसरी कढ़ाई, ऐसे तो जनरेशन मर जाएंगे उबालते उबालते कढ़ाई को लेकर के, लेकिन समुद्र का इधर पता नहीं चलेगा कितना पानी घटा, कुछ नहीं हुआ। समुद्र को उबालना होता, समुद्र खुद उबलेगा, उबल रहा है इसलिए इधर आके वर्षा हो रही है, उसकी भाप अपनी शक्ति से उबलेगा, अपनी स्वेच्छा से उबलेगा, और वो बादल रूप में भेज देगा अपने उधर, मीठा जल माल प्रसाद तीर्थ रूप में, तब अपना जीवन उधर निर्वाह चलेगा, हम नहीं उबाल पाएंगे। ऐसे ही इसलिए नहीं अचिंत्य है कि ओ तो ऐसा है, समझ नहीं, कंफ्यूजिंग है या
इनकम्प्लीट है, बिकॉज अपनी खोपड़ी में इतना बड़ा कढ़ाई नहीं है कि उसको पूरा पी ले, उसको झेल ले। हम लिमिटेड एट अ टाइम, इतनी कढ़ाई एट अ टाइम ही कर सकते, उससे पूरा नहीं कभी खत्म होगा। सो बिकॉज द डिवाइस इज लिमिटेड, जैसे आर आईज आर लिमिटेड फॉर द अबाउट द वेवलेंथ, अल्ट्रा वायलेट के ऊपर जो हजारों है, अथवा इन्फ्रा रेड के नीचे जो इन्फ्रा मतलब बिलो, अल्ट्रा मतलब अबव, वायलेट के अबव और रेड के बिलो, इन सात रंगों के इधर पात पर अनगिनत रंग है जो हम देख ही नहीं पाते, समझ नहीं पाते, पता ही नहीं रंग कैसा है, वो देख ही नहीं पाते, लेकिन विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि है, और कितने उसकी गिनती नहीं। जैसे तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं। तो ऐसे ही आवाज अल्ट्रासाउंड हमारे कान से जो सुन सकते हैं, उसके बियॉन्ड जो अपने ये जो करते हैं इमेजिंग करते हैं, रेडियोलॉजिकल इमेजिंग करते हैं, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राम, सोनार जो भेजते हैं, लाइट का भी वैसा रेडार वेव जो, तो ये अपने लिमिटेड डिवाइसेस से अपने आईबॉल्स में, एयर में, द ब्रेन, ऐसे ही द होल पैकेज इज लिमिटेड इन इट्स कैपेसिटी, बट देर इज अ लॉट मोर, सेज अचिंत्या, that we are not able to grasp, and in that hamari buddhi black and white mein chalti hai, off and on mein chalti hai, plus or minus mein, plus ya minus mein, deha ya na mein, comparison mein chalti hai, acha ya bura mein chalti hai, ya to aisa hai ya to waisa hai, to isliye jhagde ki aaj ye kya dvait hai ya advait hai, ya to dvait hai ya advait hai, dono kaise ho sakte hai। तो ये समन्वय करने वाला अचिंत्य भेदाभेद कहता है, अच्छा देखो सुनो, वो जो भी है जैसा भी अचिंत्य है, पहले तो क्यों है ये भी बताया, अचिंत्य इसलिए नहीं कि अनक्लियर है, इसलिए कि हमारी बुद्धि की क्षमता कम है, और दूसरी बात वास्तविक में उसका स्वरूप खाली भेद और खाली अभेद वाला नहीं है, भेद में अभेद वाला है, भेद भी है और अभेद भी है, साइमल्टेनियसली है, एग्जिस्टिंग है, कंकरेंटली, एक ही साथ। अभी विज्ञान धीरे थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा है, और मल्टीपल यूनिवर्सेस की बात चल रही है, पढ़ोगे तो मल्टीवर्स करते हैं, सो मल्टीवर्स कि एट द सेम टाइम डिफरेंट थिंग्स आर हैपनिंग इन डिफरेंट स्फीयर्स, डिफरेंट रियालिटीज, स्वीकार करता है अभी विज्ञान क्वांटम फिजिक्स के द्वारा कि या मल्टीपल रियालिटीज कैन एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। We think this is real, but this is only one reality. These are all now scientifically accepted facts. Achintya bheda bheda says that bhaiya jagad nahi. Bhagwan agar hai, to wo advait kyun nahi ho sakta? Ek hi kyun nahi reh sakta? Khali ek hi hai kehte Bhagwan, bas. Aur kuch nahi hai. Aur agar wo aur anek kyun nahi ho sakta? Fir Bhagwan kaisa hai? Aadha hi Bhagwan ho jayega, limited ho jayega. Usse bada koi dusra fir Bhagwan ho jayega. Chalo uski puja karte fir. कि जो एक ही साथ एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है। तो अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत उन्होंने प्रस्थापित किया था, ये तो खाली उसका नाम है उस प्रिंसिपल का, ये प्रिंसिपल नहीं है, ये तो खाली उसका टाइटल बता रहा था मैं। उसमें जो आते हैं डिटेल्स, वो जो उन्होंने उनके गोस्वामियों को छे, उनके प्रमुख रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और उनके शिष्य जो जीव गोस्वामी, ऐसे अलग अलग छह लोग जो थे गोसाई, उनको जो समझाया था, चैतन्य चरितामृत नाम का बड़ा बहुत मीठा ग्रंथ है, बांग्ला में है, स्वीटेस्ट स्वीटेस्ट स्वीट स्वीट एज स्वीटर देन शुगर, उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया। लेकिन द समरी ऑफ इट इज दैट मैंने उसमें नहीं पढ़ा था पहले बार, मैंने जो पढ़ा जस्ट टू गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मठ के, मैंने एक बार बात शेयर करी थी कि आई फाउंड देयर लिटरेचर द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट लूसिड, द मोस्ट क्लियर, द मोस्ट विविड, द मोस्ट एरुडाइट, मतलब पंडिताई पांडित्य एकदम फर्स्ट क्लास, लॉजिक, लैंग्वेज, वोकैबुलरी आई हैव फाउंड इन देयर लिटरेचर, रामकृष्ण मठ के। उनमें जब मैंने के 15 साल पहले की बात हुई, 12 तक हो ही, कम से कम 12 साल तो हो ही गया, एक छोटा सा, इतना सा छोटा सा किताब लाया था नागपुर, इतना छोटा, उसमें श्री चैतन्य एंड उसके बारे में, उनके बारे में, उनके चरित्र, उनकी लीला और उनके सिद्धांत,
ऐसे अंग्रेजी में, उसमें ये बात पड़ी थी, तब से मेरी बुद्धि भिन्न हो गई थी एकदम। ओह माय गॉड, व्हाट हैव आई स्टम्बल्ड अपॉन, दिस मेक्स सो मच सेंस, दिस इज लाइक कंप्लीटली अनरैवलिंग ऑल मिस्ट्रीज करके। तो उसमें एक बात जो प्रमुख बात है जो है, जो गीता के मैग्निफाइंग लेंस को लेकर के अगर समझे तो इट्स ऑल सो मेनी आंसर, सो मेनी क्वेश्चन, ऑलमोस्ट ऑल एवरी क्वेश्चन उसमें फिर विलीन हो जाते हैं, आंसर होने से अच्छा कहना है कि डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब उनका अस्तित्व ही नहीं रहता, सब उत्तर मिल गए, ऐसा होने से तो है कि कोई प्रश्न ही नहीं रहा, ऐसा हो जाता है। क्योंकि प्रश्न है तो फिर उत्तर ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ये वेरीफाई करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन प्रश्न ही नहीं रहे, पूर्ण शांति मिल गई, पूर्ण तृप्ति हो गई, पूर्ण स्थिति हो गई, तो ऐसी स्थिति उससे प्राप्ति, उस इतनी शक्ति है उस सिद्धांत में क्लैरिटी देने की, इतना समर्थ है वो। उस समय कहते हैं कि भगवान कृष्ण परम उच्च है, बस स्पष्ट कोई वो अनअपोलोजेटिकली डिक्लेयरिंग इट बोल्डली कि उनमें कोई, उनको कोई डर नहीं है इस बात का कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा कैसा कहेंगे, वो तो अवतार मानते हैं, उनको विष्णु को ये कहते, नारायण को कहते, शिव को ऐसा कहते, नहीं 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 भगवान कृष्ण सर्वोच्च है। और खाली कहते नहीं है उन, और डिटेल में जाए तो टूडे वी विल नॉट गो देयर, बट दे फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू दे प्रूव इट अलग अलग शास्त्रों से के सिद्धांतों से, how is it that Krishna is the supreme, is the ultimate, and I accept that as far as I am concerned, my truth is that I subscribe to that truth, regardless of that, whoever it is, shaktiman jisko bhi mante, sarva shaktiman jisko bhi mante ho, aap usko jo bhi naam dete ho, tha anami ho, nirgun ho, nirakar ho, jisko bhi परमोच्च, परम शक्तिमान, सर्वोच्च शक्तिमान कहते हो, जिसको मैं कृष्ण कहता हूं, उसकी तीन शक्तियां है, अनेक शक्तियां है, असंख्य शक्तियां है, हम अगेन अपनी खोपड़ी से कौन गिन पाएगा, तीन है, कौन सी है, कैसी है, ये जो जो भी कहेगा वो तो भ्रमिष्ट है, क्या अरे भगवान की तीन शक्तियां, हमला अच्छा तुम भगवान के दोस्त हो या भगवान से ऊपर हो या भगवान को पूरा जानते हो, तो भगवान ने तुमको बताया है, ऐसा कुछ नहीं है। कहा जितनी भी शक्तियां है अनगिनत, जनरली हाईएस्ट कैटेगराइजेशन वी कैन थिंक विद आवर ओन लिटिल ब्रेन, थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जीज, थ्री काइंड्स ऑफ एनर्जीज, एंड इट्स जस्ट फिजिकल सेपरेशन, फिजिकल डिफरेंशिएशन बिटवीन देम। कैसे, एक है कहते अंतरंगा शक्ति, उसके अंदर की अपने आप जो उसके साथ और उसके अंदर रहती है, उसके बाहर व्यक्त नहीं होती, उसके बाहर से दिखाई नहीं देती, उसके बाहर सुनाई नहीं देती, उसके बाहर समझ में नहीं आती, उसके बाहर वो उन शक्तियों को देख नहीं सकते, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से किसी से उन उस शक्ति का अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि वो उसके अंदर है। अब जिस शक्ति से मैं विचार कर रहा हूं और फिर ये शब्द कह रहा हूं, तो जिस शक्ति से मैं विचार कर रहा हूं अंदर है मेरे, उसको आप लोग न देख सकते हो, न सुन सकते, समझ सकते हो, ना चख सकते, कुछ नहीं, लेकिन है उसी से, वो ही स्रोत है जो मैं शब्द कह रहा हूं उनका, वो है पहले, इसलिए ये वाले आ रहे। तो ऐसी उसकी अंतरंगा शक्ति है एक, दूसरी है उसकी बहिरंगा शक्ति। अभी शब्द तो सुनाई दे रहा है सबको, आवाज सुनाई दे रही है, आई अंदर से है, अगर मैं अंदर से आवाज ना आने दू तो बंद कर दू तो बाहर नहीं आ पाएगी, तो लेकिन अंदर क्या है वो नहीं पता चल रहा है, लेकिन अंदर का जो बाहर व्यक्त हुआ वो पता चल रहा है, सुनाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था, स्पर्श कर पा रहे, ऐसे बहिरंगा शक्ति। लेकिन वो पूरे रूप से निर्भर है, डिपेंडेंट है अंदर की शक्ति पर, अंतरंगा, इट इज अ प्रोजेक्शन मात्र है। मूवी में प्रोजेक्टर चले तब तब मूवी चले, खाली प्रोजेक्टर बैठा हो और उसमें रील लगी है, रील में तो सारी मूवी है, शोले है, सब धर्म है, वीरू है, सब है, बसंती है, लेकिन कुछ पता नहीं चला, दिखाई नहीं दे रहा है, गाना है, घोड़ी है, सब कुछ है, कब्बर है, कुछ नहीं पता चल रहा क्योंकि प्रोजेक्टेड आउट नहीं है। वो प्रोजेक्टेड आउट है तो अब सब चल रहा है, चल बसंती, सब टंगा, सब चल रहा है, कालिया, सब कुछ, लेकिन इधर है तब वो उधर है, ये अभी थोड़े समय के लिए खाली प्रोजेक्ट मात्र हो गया है।
प्रोजेक्ट होगा बंद हो जाएगा, होगा बंद हो जाएगा, होगा बंद, ये एक का एक रहेगा, इसको कितने बार प्रोजेक्ट कर दो वो वैसा का वैसा एग्जैक्ट कंसिस्टेंट दिखाई देगा। ये एक है, वो अनेक है, प्रोजेक्शंस। ये अंतरंगा है, वो बहिरंगा है, मेरे विचार अनेक शब्दों में प्रकट हो रहे हैं। मन में ये जो अचिंत्य भेदा भेद का विचार आया, ये अनेक शब्दों में प्रकट हो रहा है, जो शब्दों के द्वारा समझ में आ रहा है तो अनुभव हो रहा है, लेकिन विचार न होते तो वो शब्द न हो सकते थे। उनका स्रोत ये है, बाहिरंगा का स्रोत अंतरंगा है। तो जैसे वट वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, बीज में उसका सोर्स है, ये दूसरी शक्ति, पहली अंतरंगा, दूसरी बहिरंगा, और उनके बीच वाली तीसरी जो है वो तटस्था शक्ति कहलाती है। तट मतलब शोर, सी शोर, रिवर बैंक, जैसे कहते समुद्र तट पे खड़े हैं, नदी तट पे साधना करने बैठे थे, तट। पर स्थ मतलब ग्राउंडेड, प्लांटेड, सिक्योर, लीलाज, तटस्थ। ये तो पूरा पूरा पानी में भी नहीं है और पूरा सूखे जमीन पे भी खड़ा नहीं है, कीचड़ में फंसा है, बीच में गीला, स्वच्छ निर्मल जल में झरझर, स्वच्छ नहीं है अंतरंगा शक्ति के साथ, और एकदम सूखे जमीन पे, किसी से कोई लेना देना नहीं। जैसे गुण बैर गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं जो सचमुच जानकार होता है, ज्ञानी होता है, सच्चा ज्ञानी जो होता है, वो तो देखता है ये तो गुण गुणों में नाच खेल कूद रहा है, एक दूसरे से लोग झगड़ रहे, इसका कोई मतलब नहीं है। गुणा गुणेशु हवाएं बह रही है, एक दूसरे से खेल रही है, चल रही है, इति मत्वा न सज्जते, उसमें चिपकता नहीं है। जो जानता है वो बहने देता है, हवा जैसे बह रही है, उनके साथ भिड़ता नहीं है। तो क्योंकि गुणों में कोई मोह नहीं है, गुणों में कोई अपना पराया नहीं है। सात्विक, राजसिक, तामसिक जो गुण है वो किसी जानबूझ के, अरे ये तो वो तो दूसरे धर्म वाले, इनको पकड़े तामसिक बना दो, अच्छा ये अपने वाले इनको उठाओ, इनको सात्विक बनाओ, उनको कुछ नहीं लेना देना, वो तो बह रही है न्यूट्रैलिटी में। जैसे सूखी जमीन, उधर भी जो न खड़ा हो और निर्मल जल में भी जो पूरा गीला भीगो हुआ न हो, जो बीच वाले कीचड़ में, सब नदी के किनारे पे क्या होता है, कीचड़ होता है, गंदा होता है, मैला होता है, पैर फंस जाते हैं और फंस जाते हैं, इधर जाए तो ऐसा लगता है चलो समुद्र बीच पे हो गया, अब खेलना अपने जाओ, रूम पे वापिस जाना है, तो थोड़ा पानी में जा करके हम पैर धो लेते हैं समुद्र में थोड़ा जाके, और फिर से आते थे गधे के नए, फिर से वही हो जाता है, क्योंकि उसका उधर का स्वभाव ही ऐसा है, उधर दोनों है, पानी भी है और मिट्टी भी है, तो उससे कीचड़ ही बनने वाला है दोनों के मिश्रण से। वो तटस्था शक्ति जीव रूपा जो है, मतलब हम हमारे लिए कहा बीच में फंसे हुए, न धर पूरा इधर का है, न पूरा पूरा उधर का है, वास्तविक स्वरूप उसका क्या है, ये सब बताया है इसमें, और कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये भी बताया उस सिद्धांत में, फिर करना क्या है ये भी बताया, कैसे करना होगा ये गीता बताती है, क्या करने से क्या होगा। लेकिन उसके बाद एकदम शांति आती है, सारे झगड़े मिट जाते हैं, किसी से कोई मुसीबत नहीं, किसी से कोई पंगा लेना नहीं रहता है, किसी को सुधारना नहीं रहता है, किसी को बिगाड़ना नहीं, किसी का बदला लेना नहीं, किसी के कोई कुछ माफ करना, माफी मांगना नहीं, बस इधर वाली हवाएं बह रही है और इधर वाला निर्मल जल बह रहा है, मेरे को ठहराना है कि मेरे को इधर जाना है या इधर जाना है, और दोनों में मुसीबत नहीं है, पूरा धमाधम गुणों में जो चल रहा हो, एकदम सात्विक, राजसिक, तामसिक, उसको भी कोई मुसीबत नहीं लगेगा, बस यही ठीक है, ऐसा ही जीना चाहिए, बस पार्टी में जाना चाहिए, डांडिया नाचना चाहिए, कपड़े पहनना चाहिए, प्याज लहसुन खाना चाहिए, मटन मच्छी सब करना चाहिए, नाचना गाना चाहिए, मजा है, ये तो चलता रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलते रहो। इधर जो पूरा चला जाएगा उसको लगेगा बस यही ऐसा ही करना चाहिए, यही जीवन है, कोई बात नहीं। लेकिन ये बीच में जो पड़ा अड़का है, दो रेस जो दौड़ रहा है, एक पैर से इधर वाली रेस और एक पैर से इधर वाली रेस, तो ऐसा समय आएगा ही कि एक रेस को छोड़ना ही पड़ेगा, और फिर जिस रेस को दौड़ना शुरू करेंगे वो रेस जीती ही है फिर, ऐसे समझ ले। तो ये तीन शक्तियां, एक भगवान एक है, उसकी अनेक शक्तियां है, लेकिन तीन प्रमुख समझने के लिए इसकी, एक है कैटेगरी ऑफ एनर्जी इज इनसाइड, इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी एंड मार्जिनल एनर्जी,
जैसे हम वही खाता करते अकाउंट में, तो मार्जिन होती इधर वाला थोड़ा सा बचा कर रखते बीच वाला, जैसे साइड वाला बीच वाला, ऐसे वो मार्जिनल पोटेंसी, इंटरनल एक्सटर्नल मार्जिनल। और ये तीनों की भी पूरी तरह से हम समझ नहीं पाएंगे ये कैसी है, तो इसलिए इस इनको समझने के लिए भी कहा, इनमें भी मैं समझे कि तीन तीन शक्तियां है। इन एवरी वन ऑफ दीज थ्री, शक्तियां कहने से कह रहे इसके तीन पहलू है, तीन डायमेंशंस है, उसके तीन काइंड्स है, तीन उसके तीन फैसेट्स है, तीन थ्री साइड्स टू ईच ऑफ देम। अंतरंगा है थ्री लेयर्स विद इन इट, बहिरंगा है थ्री फैसेट्स टू इट, एंड तटस्थता को भी तीन अपने पहलू है, तीन बाजू है। जैसे मैं इधर बैठा हूं तो मेरे सामने वाला से कोई देख पाता है, पीछे कोई माधवी कान्हा जा रहे हो तो उनको पीछे वाला दिखेगा, कोई रेलिंग से फायर से ऊपर से देखेगा तो ऊपर वाला दिखेगा, लेकिन तीनों एक ही आदमी के फैसेट्स है, लेकिन तीनों अलग दिखते हैं, तीनों अलग अनुभव होता है। ऐसे मैं कह रहा हूँ बाय डायमेंशन और बाय फैसेट्स आई मीन दैट। सो बहिरंगा शक्ति जो है अभी अभी इधर आता है सातवें अध्याय में, और फिर चौदह अध्याय में बहुत अच्छा, चौदह अध्याय में बहुत डिटेल में हम लोग जिधर है, और जो सातवां अध्याय चल रहा था 1 बजे उस समय उसका उल्लेख होता है। बहिरंगा शक्ति में तीन फैसेट जो है वो तीन गुण कहलाते हैं, सात्विक राजसिक तामसिक। गुण त्रय विभाग योग इज द नेम ऑफ द 14th चैप्टर, जिधर हम 10वें श्लोक में। तो इस बहिरंगा शक्ति कैसे ऑपरेट होती है, इस इधर क्या होता है, क्या चलता है, इसका वर्णन है 14वें अध्याय में। तो बाहर वाली प्रोजेक्ट एट द मोस्ट इनफेरियर, सबसे कम दर्जे की, सबसे इसकी कोई कीमत नहीं मानो ऐसे, जिसको फेंकना है। जैसे आज सुबह केला खाया था तो उसके तीन छिलटे निकले, वो खाना तो केला था, छिलटा तीनों वाला लेकर के फेंक दिया, कोई काम का नहीं था। उसका काम था उसको प्रोटेक्ट करना, उसने कर दिया, लेकिन जिसको खाने के लिए जो है वो उसको फिर छोड़ दिया। ऐसे गुणों में हम लोग आए, लेकिन गुण ने यहां तक लाया, गुणों में है, अब गुणों को छोड़ना है, अब केले को खाना है, अंदर जो काम करना है उसको। वो तीन गुण, एक केला एक साइड से काला दिखाई देता है, दूसरे साइड से पीला दिखाई देता है, तीसरे साइड से हरा दिखाई देता है, एक ही केले के तीन रंग तीन साइड से दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर वाला और उससे अलग है, अलग ही है, कंप्लीटली डिफरेंट। तो काला हो पीला हो हरे रंग का हो, तीनों को निकाल के फेंक देना है, अच्छा बुरा जो भी जैसे लगे, तीनों में से किसी को नहीं खाना है। कि पीला ठीक है तो पकाया तो केला का छिलटा खा लेते हैं, ऐसा नहीं करते हम, तो सब्जी बनाते हो कि अलग बात है, तो भगवान हो तो खा ले छिलटे को भी, साग विदर घर खाई दुर्योधन को मे बात आगे। तो ऐसे गुणों से में ज्यादा भिड़ना नहीं है, गुणों से कोई गुणों की रेस नहीं दौड़नी अभी, लेकिन सारा गुणों का खेल चल रहा है जीवन में, सात्विक राजसिक तामसिक, ये 14वें अध्याय में जो बात आती है। तो पहले लेट मी जस्ट कवर द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल थ्री, एंड देन वो इट मल्टीपल डायमेंशन में और खुलासा हो देता है, देन मोर अबाउट द सात्विक राजसिक तामसिक, मोर अबाउट दिस, ऐसे करके देन देयर इज अ कनेक्टर, लाइक अल्टीमेटली द होल थिंग कम्स बैक अराउंड, दिस विल बी अ होल कोर्स इन इटसेल्फ। अगर जब रिटायरमेंट आ जाए समय हो तो मेरे मन में यह है कि इसका करिकुलम बनाए, इसका लेसन प्लान बनाए, और अगर ये बच्चों को बूढ़ों को सब किसी को भी ये अगर समझाया जा सके कि भगवान कौन कैसा है, उसकी कौन सी तीन शक्तियां हैं, तीनों में क्या क्या गुण है, और तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे है, कैसे एक में से ही दूसरी आती है, दूसरी में से ही तीसरी आती है, कैसे तीनों जुड़े हुए हैं, कोई काम वो अच्छा बुरा का प्रश्न नहीं है, लेकिन हम किधर फंसे हैं इन तीनों में से, कैसे फंसे, करना क्या है, जाना कैसे है, लेकिन वी कैन लिटरली क्रिएट अ लेसन प्लान सो दैट पीपल कैन लाइक रीड इट लाइक अ टेक्स्ट बुक, प्रैक्टिस लाइक दिस, एंड देन एक्चुअली अचीव दैट बाय द एंड ऑफ लाइफ, एवरीवन हु इज सीरियसली कमिटेड टू इट, इट कैन बी डन, इट कैन हैपन, बट एटलीस्ट फॉर नाउ, जब होगा तो होगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो होगा नहीं होगा, लेकिन इतनी क्लैरिटी उसमें, इतना डायरेक्टली कनेक्टेड है दैट इट इतना प्रैक्टिकल बन सकता है, इतना टेंजिबल पाथ दैट इफ एवरीवन कैन वॉक ऑन इट लिटरली एंड गेट टू द मिड पॉइंट द सेंटर ऑफ इट। सो ये बहिरंगा शक्ति के तीन गुण हो गए, सात्विक राजसिक तामसिक, उससे अंदर वाली
नजदीक वाली भगवान की जो तटस्थता है, एकदम जमीन पे जाकर के किधर दूर जाके बैठे खड़े नहीं है, तट पे है, नजदीक है समुद्र के अथवा नदिया के। कीचड़ में भी हो लेकिन थोड़ा तो गीलापन है, थोड़ा तो भगवतपन है उसमें, कुछ कोई ना कोई। तो उसके भी तीन गुण हैं, उन तीन गुणों के नाम है सत्य चित आनंद सच्चिदानंद। सच्चिदानंद स्वरूप से बना हुआ हुई वो तटस्था शक्ति जो है वो है। सत रज तम गुणों से बनी हुई वो बहिरंगा शक्ति है। तो जीव जो है, जिसके लिए तुलसीदास जी के रामचरितमानस में आया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हमारे लिए जो कहा भगवान ने, मम एव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन पुरुषोत्तम योग में, अथवा अहम आत्मा गुड़ा केश सर्वभूताशय स्थित दसवें अध्याय में, अलग अन्य अन्य जगहों पे कि मेरा ही अंश, मेरा ही स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। हम सात्विक राजसिक तामसिक नहीं है, हो नहीं सकते, क्योंकि हम तटस्था शक्ति है ईश्वर की। हमारा शरीर, हमारा मन, मान बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो सातवें अध्याय में मैंने कहा था नवरात्रि से जुड़ा हुआ है, भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रे वच अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति अष्टधा अष्टभुजा, ये आठ हथियार लिए हुई जो मेरी बहिरंगा शक्ति दुर्गा, उसकी पूजा आठ वेपन वाली होती है। लेकिन जो वास्तविक शक्ति है वो तो उसके वेपन्स है। जीव भूतम महाबाहो येदम धारयते जगत, वो जीवन शक्ति वो तो मेरी है, नजदीक वाली है। तो हम सच्चिदानंद स्वरूप है प्रकृति अथवा बहिरंगा शक्ति, सत रज तम स्वरूप है, और फिर तीसरी जो अंतरंगा शक्ति है भगवान के अंदर वाली, तीन में से तीसरी, थ्री ऑफ थ्री, उसके भी तीन गुण है। उसमें से एक पहली है संधिनी नाम है उसका, दूसरी है संविद, और तीसरी है लादिनी। संधिनी अर्थात बांध के रखने वाली, पकड़ के रखने वाली, जिसमें दम है, जिसमें शक्ति है, सामर्थ्य है, जिसमें जो सारे जो भी हो, व्हाटएवर एग्जिस्ट, उसको पकड़ के धारण करके उठा के रखने की जो शक्ति है। संधान करना वाले, जैसे शर संधान करते थे, पकड़ के रखते थे पक्का धनुष को राम जी का, अथवा जरासंध, जरा ना उनकी राक्षसी ने उसको सिला दिया था उस राक्षस को, अतः सिला सिलाते हैं कपड़े, तो संधि कहते हैं। संधि मतलब जुड़ गए, तो पीस मेकिंग जो संधि करते थे दो राजा युद्ध के बाद, तो जोड़ने वाली, पकड़ के रखने वाली, टूटने न देने वाली, ये उसकी अंतरंगा शक्ति का आउटर मोस्ट गुण संधिनी। उसके अंदर जो और थोड़े गए तो समविद, विद मतलब प्रकाशमान करने वाली, द पावर दैट लाइट्स अप और लाइफ्स अप, वो जिधर जाए, जिसका स्पर्श हो, जो नजर आता है, वो सब समझ में आने लग जाए, वो सब जीवित हो जाए, जीवंत हो जाए, प्रकाशमान हो जाए। समविद, विद से आया वेद, विद से आया विद्युत, विद्वान ज्ञान, कॉग्निशन कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग समझ, तो संधिनी और समविद शक्ति। और जो अंतरंगा शक्ति की अंतरंगा है, द इनर मोस्ट का जो इनर मोस्ट थर्ड मोस्ट है, उसका नाम है लादिनी, द प्योर जॉय ब्लेस। जब वो मूर्ति रहती स्वरूप होती है, उसका नाम राधा होता है, जय जय श्री राधे। तो इसलिए कृष्ण कभी राधा के बिना रह नहीं सकता, रह सकता नहीं है, और जिधर कृष्ण उधर ही राधा है, संभव ही नहीं है कि कृष्ण और राधा नहीं है, फिजिकली बॉडी हो ना हो, उसकी अंतरंगा स्वरूप से है, उसके अंदर में सारा अस्तित्व ही शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं किए जा सकते। कभी शक्तिमान है तभी है जब उसके पास शक्ति है, शक्ति अपने आप नहीं घूम नहीं सकती है, शक्ति तभी है जब उसका कोई स्रोत है, उसका कोई आधार है जिससे वो बनी हुई है शक्तिमत से। तो ऐसे लादिनी तो प्योर जॉय प्योर ब्लेस हैप्पीनेस सुख आनंद प्रेम जिसे कहते हैं, जिसकी बिना सब सुख है, जिसको कोई मीनिंगलेस है, पर्पजलेस है, कोई मतलब नहीं, कितने भी पैसे कमाए उसका क्या
पत्थर मिट्टी कंकड़ जैसे इकट्ठा किया, उसका कोई मतलब नहीं है. ऑल ऑफ इट इज सो दैट वी गेट टू एन जॉय राइट, एक्सपीरियंस द ब्लिस, एक्सपीरियंस द हैप्पीनेस, उसका सुख के अनुभव. दैट्स एट द कोर. सो वन गॉड इनफाइनाइट एनर्जीज primarily categorized into three, because we can only process three at a time. A human brain can only handle three at a time. चौथी आ जाए कोई सामने कर दे तो पहली भूल जाए, इसलिए तीन में categorize किया. अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था, internal, external and marginal in between. Each of those three have different dimensions. बहिरंगा has उसके गुण है सात्विक राजसिक तामसिक, तटस्था के गुण है सचित आनंद और अंतरंगा के गुण है संधिनी संविद प्रहलादिनी. और ये अलग अलग नहीं है, जैसे मेरे विचार करने की शक्ति मैंने कहीं और जगह पर रखी है और बात करने की शक्ति इस गीता के पहले निकाल कर खोपड़ी में इंसर्ट कर दिया, ऐसे नहीं है. मैं हूँ मेरे साथ, मेरी सारी शक्तियां हैं, जिधर भी हूँ, जब भी हूँ, जैसा भी हूँ, जिसके साथ भी हूँ, देश काल पात्र तीनों के अतिरिक्त. इट डजंट मैटर किस देश में है, किस काल में है, किस पात्र के साथ एसोसिएट करे, आई एग्जिस्ट, ऑल माय पावर्स को एग्जिस्ट इन एंड विथ मी. ऐसे ही भगवान गॉड डज एग्जिस्ट, एंड सो ऑल ऑफ हिज पावर्स, द इंटरनल, द एक्सटर्नल एंड द मार्जिनल, साइमल्टेनियसली को एग्जिस्ट एट वंस इन हिम. अचिंत्य भेदावत, वी मे नॉट अंडरस्टैंड बट दे डू को एग्जिस्ट एंड इट इज पॉसिबल एंड दैट इज द फाइनल ट्रूथ. एंड सो देयरफॉर जैसे प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट हुआ मूवी जुड़ा हुआ है उसके साथ, ओ आगे जाके आधा कट जाए उसके बाद इधर वाला कुछ अलग ही चल रहा है, इधर वाला कंटिन्यूसली कनेक्टेड. द प्रोजेक्टर एंड द प्रोजेक्शन is connected through that which is projecting. All three are continuously forever connected as long as the movie is going on. Aise hi antaranga, bahiranga aur tatastha are continuously forever connected. And so what are those connection points? How are they connected? It is clarified with the magnifying lens of the Gita, as I was saying, the 7th and the 14th chapter. उसमें जो ऐसे उसमें फिर दिखाई देता है उस मैग्नीफाइंग लेंस के अंदर कि ये जो भगवान की अंतरंगा शक्ति की जो संधिनी मैंने बताया पकड़ के रखने की शक्ति जो है, आकर्षण आकर्षित रखने, ग्रेविटी जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, उसका ग्रेविटेशनल मास, सन की ग्रेविटी से अर्थ को पकड़ कर रखा है, अर्थ की ग्रेविटी ने मून चंद्रमा को पकड़ के रखा है. ज्यादा इधर उधर नहीं भाग सकते, उधर ही घूमना पड़ता है तो, क्योंकि उनका आकर्षण है बहुत, उनमें शक्ति है, गुरुत्व है, बड़ापन है, वो बड़ेपन का आकर्षण है छोटे वाले को, तो उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं. कुत्ता अपने मालिक के इर्द गिर्द घूमता है, बच्चे अपने माँ पिता से ज्यादा दूर नहीं जाते, पालने पे झूलने पे झूलेंगे लेकिन फिर से वापस आ जाएंगे, क्योंकि आकर्षण है, क्योंकि पता है हमसे समर्थ है, हमारे संरक्षक है, हमारा कल्याण करते हैं, कर चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं, तो इनसे ज्यादा दूर नहीं जाना, इसमें मेरी भलाई नहीं है. ऐसे पृथ्वी को इनहेरेंटली पता है अंदर में इंटेलिजेंस से, ये जो है मेरा पिता सूर्य भास्कर, ये मेरा वेलविशर है, मेरे को तीन बातें देता है, पकड़ के रखता है. अंतरिक्ष में तितर बितर कहीं की चली गई होती थी, पता नहीं चलता था कौन सी पृथ्वी और कहाँ का ग्रह, इसने नहीं पकड़ के होता था तो रखा था तो. मेरे को उष्णता देता है, ठंडी पड़ जाती थी सब मर जाते थे, मैं खुद भी मर जाती थी, लेकिन गर्मी देता है और प्रकाश देता है. खाली गर्मी नहीं देता, खाली गर्मी दे लेकिन अंधेरा ही हो सब समय, तो भी कोई खाली उल्लू इधर उधर घूमते रहते फिर बस, लेकिन प्रकाश भी देता है. तो प्रकाश देता है, उष्णता देता है और आकर्षण से पकड़ के रखता है, ये तीन शक्तियां देता है उसके. ऐसे ही उसकी संधिनी शक्ति ग्रेविटी से उसकी जो आगे वाले नेक्स्ट शक्ति तटस्था शक्ति में जो सत गुण आता है, सच्चिदान संधिनी संवित अंतरंगा की संधिनी, इट्स प्रोजेक्शन इज सच्चिदानंद का सत गुण जो है, मतलब टिकता है. सत मतलब क्या, हम कहते सच्चिदानंद न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया,
सेकंड चैप्टर गीता, अजो अपि सन्नवे आत्मा नहन्यते हन्नमाने शरीरे, कभी मरता नहीं, मर नहीं सकता, संभव नहीं है इसका नाश, अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वमिदम जगत, वो अविनाशी है सारे जग में जो प्रसारित है, इम्पॉसिबल है इसको डिस्ट्रॉय कर सकना, क्योंकि इस संधिनी शक्ति का उसमें पोटेंसी है सत्य की, एग्जिस्टेंस की, इट इज एग्जिस्टेंस, देयरफॉर हाउ कैन इट नॉन एग्जिस्ट इफ इट इज एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, हमारे स्वरूप में सत्यता, हम हमेशा रहेंगे, ये सत्य हम कभी मिट नहीं सकते आत्मा रूप से, ये सत्ता, सत्यता, दिस पावर, दिस एनर्जी, दिस पोटेंसी हैज कम फ्रॉम गॉड, संधिनी शक्ति, और हम ये जो हमारी सत्यता है ये आगे चल के और जो पर्दे तक पहुंच जाती है, जैसे प्रोजेक्टर है, बीम ऑफ लाइट है, और फिर पर्दे पे उसका प्रसारित हुआ है, दीज आर द ओरिजिनल सोर्स, द वन दैट इज बीइंग प्रोजेक्टेड एंड द वन द फाइनल प्रोजेक्शन, द प्रोजेक्टर इज गॉड, वी आर इन बिटवीन द मार्जिनल, पर जब ये पर्दे पर प्रसारित होती है पूर्ण रूप से तो वो तामस रूप से प्रकट होती है, तामसिकता, उसकी संधिनी शक्ति सत्य रूप से हमारे में है, और वो प्रकृति में तमस तामसिक गुण से व्यक्त होती है, तमस का प्रमुख लक्षण होता है प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्निबध्नाति भारत, पिछली बार हमने श्लोक किया था 14वें अध्याय में, प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्निबध्नाति भारत, ये तीन गुण के तहत कि आलस्य लेजी, आलसी लथार्जिक, ठीक है नहीं आया, नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा है, इट्स ओके, निद्रा सोए रहे, सोए तो पड़े ही रहे बस, उधर से उठे ही नहीं, वेस्टफुल, पानी बहा जा रहा है, प्रमाद मतलब उल्टा, नहीं करना चाहिए ऐसा हो रहा है, होने दे रहा है, पानी बहा जा रहा है, नल नहीं बंद कर रहे, ठीक है ना, चलते, जब ये जो तामसिकता जो है जैसा खा लिया है, तीन दिन से पड़ा है, ठीक है ना, है सामने दिखाई दिया, कुछ गर्म भी नहीं किया, ऐसा कैसा खा के खा लिया, जला है, ठीक है, फिर से कौन बनाएगा दूसरा, जैसा वैसा ले लो, जो भी सब एवरीथिंग द सेटिंग इज इन जो है जैसा है बस, नॉट थ्रू नॉलेज, थ्रू जस्ट नॉट वांटिंग टू डू मोर देन, बस कुछ नहीं करना है, क्यों, क्योंकि इनहेरेंटली पता है सत्य स्वभाव है, कोई बिगड़ेगा नहीं, कुछ खराब नहीं होगा, ठीक, करना क्या है, अपन तो है ही अपन, क्यों, क्योंकि उस सत्य को इनहेरेंटली पता है, संधिनी शक्ति ने पकड़ के रखा है, उसको कोई मात ही नहीं कर सकता, तो संधिनी का सत हुआ, सत का तमस हुआ, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आई डोंट वांट टू स्टडी, आई डोंट वांट टू डू जॉब, जो भी फूड स्टैम्प्स हो गए, कोई भीख दे देगा, कोई करेगा नहीं, तो चोरी कर लेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है, किसी को चक्कू दिखा देंगे, गन का पॉइंट कर देंगे उसके हेड पे, सब ले लेंगे, कुछ ज्यादा कम से कम मेहनत हो जाएगा, क्योंकि है बस इनहेरेंटली इट नोज दैट आई एग्जिस्ट, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग इफ आई डोंट वांट इट, एंड दैट्स तमस, उसकी जो संविद्ध शक्ति है अंदर भगवान की अंतरंगा शक्ति में से वेद करने वाली, प्रकाशित करने वाली, एनलाइटनिंग, इल्यूमिनेटिंग, मैग्निफाइंग, ब्रिंगिंग टू लाइट, ब्रिंगिंग टू लाइफ, वो हमारे स्वरूप में तटस्था शक्ति में जीवात्मा में चित्त स्वरूप से प्रसारित हुई, चेतन चैतन्य नॉलेज, दैट द पोटेंसी ऑफ नोइंग manifested in us as knowledge itself. We know, period, end of story, we know. But what do we know? Well, whatever we put ourselves on. Jis bhi kitab ko padha, wo samajh gaya. Jis shastra par abhyas kiya, wo samajh liya. Jis aadmi se pehchan kar li, usko samajh liya. Jis business ki aur dhyan diya, usko apna atmasat kar liya. Jis programming language ko sikhe, wo kar liya. To hum common hai. Lekin क्या क्या जाना जा सकता है वो अन्य 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 नानत्व है उसमें, हम वो अनेक है, हम एक है, जानने की शक्ति, जानना का स्वभाव, क्षमता एक है, उससे क्या नहीं जाना जा सकता, ये प्रश्न है, क्या क्या जान सकते हैं प्रश्न है, जिधर भी फ्लैश लाइट को डाले क्या देख सकते हैं फ्लैश लाइट से, अरे ऐसे तो बराबर प्रश्न नहीं है कि ये फ्लैश लाइट इससे अच्छा इसे क्या देखा जाता है, इसे क्या देख सकते हो, मतलब जिधर डालो उधर वो दिखाई देता है, ऐसा नहीं है क्या देखा जा सकते हो, व्हाटएवर एग्जिस्ट
Wherever you put your light on, ऐसे हमारी संविधि शक्ति में प्रसारित हुई हमें चित्त शक्ति है, और वो चित्त शक्ति जब पर्दे तक पहुंच गई प्रकृति रूपी, वो प्रोजेक्ट हुई राजसिक गुण के रूप में, राजस ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, और कैसा ये कैसा किया जाता, वो कैसा किया जाता, उसने क्या कहा, उसने क्या किया, वो ऐसा कब हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था, उस ऐसा करके देखते फिर क्या होता है, और हो सकता है क्या अलग, दूसरा कुछ नहीं हो सकता, किस दुकान में कैसा है, अच्छा तुम्हारे क्या, ये जो ये अलग अलग अकाउंट, सोशल मीडिया, न्यूज, कंट्री, नॉलेज, जानकारी, ग्रोथ, डिफरेंट डिफरेंट व्हाट इफ सिनेरियोस, प्लान ए प्लान बी प्लान सी, ये सारा बिकॉज व्हाट देयर इज नो एंड, जिधर जाके उधर तुम उसको उठा सकते है अपने चैतन्य शक्ति से, तो ये घूमता ही रहता है, घूमता ही रहेगा, क्योंकि अनलिमिटेड पावर इसमें, सब भगवान की संधिनी शक्ति हमारे सत रूप में प्रकट हुई, जो तामसिक गुण में बैठ गई उधर ही, भगवान की संविध शक्ति हमें चित्त स्वरूप से राजसिकता में लगाती है, जिधर इधर उधर ऐसा ऐसा वैसा, मोर 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 डिफरेंट 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 डिफरेंट, और फिर भगवान की जो लहदिनी शक्ति है अपने आप में स्थित है, भगवान के कोर में हृदय में है, भगवान से एकदम ही जुड़ी, वो है, वो नहीं है तो फिर भगवान भी नहीं है, इतनी एक रूप जो है, प्योर जॉय, अनअडल्ट्रेटेड, अनकंटेमिनेटेड, अनएक्सपेक्टिंग, इनडिपेंडेंट, मीनिंग डज नॉट नीड एनीथिंग फॉर इट टू बी जॉयफुल बिकॉज इट इज जॉय। वो जो लहदिनी शक्ति है वो आत्मा में हम में आनंद रूप में सत चित्त आनंद रूप हमें प्रकट प्रसारित हुई, हम आनंद स्वरूप है, हम जब अंदर जाते हैं, हम जब अपने आप में अल्प समाधानी अल्प संतोषी होते हैं, हम जब समझदारी से विचार करते हैं, बात करते हैं, छोड़ने का की तैयारी रखते हैं, तब जब अपने आप में जा सकते हैं, तब पता चलता है, तब आनंद, तब ही आनंद का अनुभव होता है, बाहर से कभी आनंद का अनुभव नहीं होता, सभी आनंद के अनुभव कब भी हुए तो अंदर ही हुए है, इसीलिए हुए कि हम ऑलरेडी आनंद स्वरूप है, उन अनुभवों ने खाली याद दिलाई अपने आनंद स्वरूप की। तो भगवान की अल्लादिनी शक्ति तटस्थ शक्ति में आनंद स्वरूप से प्रकट हुई जीव 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 में हम में, और वो जब पर्दे तक पहुंच गई तो सात्विकता में उसका रूप दिखाई दिया। ये 14वें अध्याय में, अब इसके बाद जितने श्लोक होंगे सब इसके इसी का वर्णन होगा, सात्विकता क्या है, राजसिकता क्या है, तामसिकता क्या है, तो ये मैग्निफाइंग लेंस के नीचे एकदम फट 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 खुला होकर समझने लग जाएगा, हाँ अच्छा ऐसा, सात्विकता में जो शांति है, सात्विकता में जो समाधान है, सात्विकता में जो प्रकाश है, समझदारी है, सात्विकता में जो जितना आवश्यक उतना करके मेन बात ध्येय की ओर जो उद्देश्य निग्रह है, ये सारा अपने आनंद स्वरूप से आया, जो उसके लहदिनी शक्ति से आया, हम खुद ही उसकी शक्ति है, हम अलग नहीं है उससे, हो नहीं सकते, वो हमसे अलग नहीं है, हो नहीं सकता, वो है तो हम है, पर हम है ये प्रूफ है कि वो है, और इधर उधर जाके देखने की जरूरत नहीं, भगवान कहाँ है, किधर है कि नहीं, हम है तो भगवान है, हम है तो खुदा है, खुद खुदा है, जो खुद में खुदाई करे, ये सारी खुदाई को छोड़ के खुद में ही खुदा खुदा ही दिखे, फिर खुदाई करे तो खुदा ही दिखे। तो once again there is this God, his multiple energies are broadly understood in three forms, antaranga, bahiranga and tatastha. Antaranga in itself has three aspects to it, sandhini, samvidin, antaranga. Sandhini projects into the tatastha, the next layer of energy, as Sat, which further projects onto the screen of Prakriti, Maya. Maya, patal kehte, patal matlab parda. Literally, dekho bhasha. So when it projects as tamas. Ki theek hai, aage bas idhar hi rahe, kuch nahi karna hai. Uski samvedhi shakti, when it projects outside of himself, just outside of himself, it projects as Chaitanya, Chitta, which further projects on the patal as Rajasik Guna, and his Aladini Shakti, when just outside of him, leaves him, just outside of the body, manifest, expressed, is seen as Ananda, is experienced as Ananda, which projects itself across all over the universe as Sattvic Guna.
So it's one continuous stream of energy sourced in God. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarvakarana Karanam. He is the source of all sources. He is the cause of all causes. He is Satchidananda form. Param hai, Ishvara hai, the final one. Anadir Adi Govinda. Anadi ke Adi Allah. Anadi bhi relative hai. Ab Adi pehle ke pehle wala. Pehla jab bhi shuru hoga uske pehle kya tha, kaun tha? Wo wala jo hai. Ye usi Brahma Samhita se aata hai. Jo maine kaha tha. Brahma ji pehle Shishya Krishna ke. Jisse Gaudiya Sampradaya chala. Jidhar ye Achintya Bheda Veda aaya. उस ब्रह्मा के ब्रह्म संहिता के पांचवें अध्याय में आता है ये पहला श्लोक. इसका भी उल्लेख कई बार हो चुका है. उसके बाद फिर आता है चिंतामणि सहस्त्र. उस अध्याय में वैकुंठ का वर्णन आता है. फिर चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्षे लक्षावृतेश सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी. ब्रह्मा जी कहते हैं ओह एक लक्ष्मी लक्ष्मी कहते दीदत्त सारे जो जो भी स्त्री है पूरी पूरी लक्ष्मी दिखाई दे रहे और ये सारे के सारे एक ही काम में लगे इसकी चरण चंपी करने में. लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम. मैं खुद संभ्रमित हो गया हूँ कि व्हाट एम आई सीइंग. सारी की सारी तो लाखों लक्ष्मी इसकी सेवा करें. इस गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी. ब्रह्मा जी कहते मैं तो बस भैया इधर बैठ के इसी का भजन करता हूँ. चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष. इधर तो जो भी वृक्ष दिखाई दे रहा है सबके एक कल्प वृक्ष एवरी ट्री इज कल्प वृक्ष. इधर चल रहा पत्थर कंकड़ एवरी पेबल एवरी स्टोन में देख रहा हूँ तो चिंतामणि है. सारी की सारी गया एक कामधेनु का सुना देते तो कामधेनु की पूरी इधर एवरी वन ऑफ देम इज कामधेनु. ऐसा वर्णन उसमें पांचवें अध्याय में उसके गोलोक का वर्णन आता है. लेकिन उसके पहले श्लोक में ये कहते जो मैंने अभी बताया. तो ऐसे सौ अध्याय ब्रह्मा उस इसमें ये भी गौड़िया संप्रदाय की ही गिफ्ट है. वो चैतन्य महाप्रभु ने ही इसको ऊपर उठाया था इस ग्रंथ को फिर से लाया प्रसारित किया. तो इसलिए बहुत बड़ी स्कीम है ये. इतने छोटे से मच्छर के नए झंझट में नहीं पड़े हम कि ऐसा वो वैसा. एक ग्लोबल व्यू लेकर के ग्रैंड स्कीम ऑफ स्कीम्स में सारे सारे पुरुष स्त्री सारे सारे जो भी जीवंत है मच्छर मछली हम तुम आप ये सब मिलके सब गुरु लोग सब संत लोग सब गुंडे सब बदमाश सब मंत्री सब मिलके मात्र उसकी अंदर वाली उसकी तटस्थता बीच वाली तटस्था शक्ति है. वो तो कोई जीव राजसिकता में पड़ा है कोई सात्विकता में पड़ा है कोई तामसिकता में आके हवा से बह रहा है उछल कूद कर और हम भी उसके साथ बह के भिड़ रहे हैं. जिसको जिधर चलना है चलने दे. अभी अपने आप को संभाले कि आप आज तक पता नहीं था हम बहुत उलझ रहे राजसिकता वालों से तामसिक वालों से कि नहीं नहीं तुम भी सात्विक बन जाओ सात्विक बनना चाहिए. वो सब छोड़ के अपनी इससे क्या होगा साथ जैसे राजसिक मानो तीनों गुणों में फंसे हैं सात्विक. ये चौदहवें अध्याय की बात कर रहा हूँ. अभी दसवें ग्यारहवें बारहवें श्लोक में ऐसी ही बातें आती है. सात्विकता में राजसिकता में तामसिकता में जो है जो मैंने अभी समझाया तामसिक मानो बाहर के लेयर में है और उधर नीचे जाके बैठ गए बस इधर किधर नहीं जाना है बस बहिरंगा शक्ति में बैठे रहना है कुछ नहीं करना है जैसा है वैसा ही बस. कोई प्रगति नहीं करनी है कोई अच्छा नहीं बनना अनुभव नहीं करना है बस ऐसे ही बैठ जाना पत्थर जैसे बेकार जीवन. पूरे भगवान की प्राप्ति हो सकती लेकिन कुछ करने का कुछ नहीं रहा. राजसिक जीवन वो है जो अरे यार तुम भगवान थे भगवान के साथ थे वो छोड़ के बाहर इधर दूर तो इतने दूर तक आ गए अभी वापस जाना चाहिए उल्टा यू टर्न. नहीं नहीं राजसिक और बाहर जा रहा है और स्प्रेड आउट करने और दूर दूर तक प्रकृति फैली जा रही है. साइंस में आता है बिग बैंग थियरी में भी आता है इट्स एवर एक्सपेंडिंग ग्रोइंग. इधर अंदर जाने की प्रवृत्ति नहीं वृत्ति नहीं इच्छा नहीं है. और सात्विक जो है जो
जिधर है जैसा है वो है ऐसा ही बैठा नहीं रहना है, और ज्यादा और दूसरा और बाहर भी नहीं जाना है, कहीं ना कहीं याद आ रही कि नहीं हमको उल्टा जाना है, रेडियली आउटसाइड नहीं जाना है, रेडियली इनसाइड जाना है, सेंटर की ओर जाना है, सर्कमफेरेंस पे बैठे है उससे और बाहर कूदना नहीं है, इनसाइड सेंटर की ओर केंद्र बिंदु की ओर और जाना है। इसलिए फिर कम कम में जितना है जो है जैसा संभाल के, अपनी शक्ति संभाल के, अपना समय का संचय करके, बुद्धिमानी करके, जिससे हमारा हमारी यात्रा उल्टी हो सके, रिवर्स हो सके, यू टर्न हो सके, ताकि हम बाहर न जाए। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतेर स्थानि कर्षति, ये भगवान कहते 15वें अध्याय में, यार ये मेरा अंश है, मम एव अंश जीवलोके जीव भूतस्य, लेकिन ये मन से गड़बड़ किया, ये बाहर की ओर ही दौड़ जाता, बाहर ही चले जाता है, फिर से फिसल जाता है, फिर से बाहर जाता है। तो सात्विक जीवात्मा वो जो बाहर जाना छोड़ के अंदर की ओर यात्रा कर, लेकिन ये तीनों उधर बाहर के लेयर में है, इसलिए अभी छूटे नहीं है। तीनों सात्विक भी उतना ही बहिरंगा में है जितना राजसिक है और तामसिक है, लेकिन कम से कम सात्विक ने यू टर्न मार लिया है, अभी नहीं छुट्टी हुई, गुणातीत नहीं हुआ है, इन तीनों से प्रकृति से माया से छुटे नहीं है, लेकिन समय तो आएगा अभी, क्योंकि यू टर्न तो कर लिया है, डायरेक्शन तो मिल गई है, गति नहीं अभी प्राप्त हुई है, लेकिन आ जाएगी। राजसिक वालों के लिए वो संभव नहीं है, इसलिए राजसिकता को सबसे खतरनाक है, तामसिकता से, शास्त्रों में तामसिकता से ज्यादा खतरनाक राजसिक, तो इसलिए कहा क्योंकि वो बिल्कुल फुल फोर्स बाहर के और दूर तक जाने के लिए रेडी है। तामसिक ने क्या कह रहे, उधर ही बैठे रहना है, इधर भी नहीं जा रहा, उधर भी नहीं जाना है, तो वो तो जन्म जन्म उधर ही पड़े रहेंगे 84 लाख की योनियों में प्रकृति में। तो ये बहिरंगा शक्ति का जीवात्मा, फिर जब हमारी सात्विकता की ओर इंटरनल जर्नी शुरू हो गई सात्विक बन के, तब हम बहिरंगा शक्ति पे छोड़ के अपने आत्मा की, हम जो स्वरूप हमारा वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप जो है तटस्था शक्ति का, उसकी ओर आकर्षित होंगे, उसमें स्थित होंगे, अर्थात मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं किस लिए हूँ, किधर से हूँ, क्यों आया हूँ, ये सब प्रमुख विषय बन जाएंगे। ये जब काम हो जाएगा, पूरा जब हो जाएगा, उस साक्षात्कार कहते हैं, आत्मा का साक्षात हो जाना, आत्म साक्षात्कार, आधा काम हुआ, आत्म साक्षात्कार जो है आधा काम हो गया, लेकिन काम तो हो रहा है, बराबर सही काम हो रहा है, जो काम होना चाहिए वो काम हो रहा है। आज तक सारा गलत काम हो रहा था, प्रकृति का साक्षात्कार हो रहा था, प्रकृति में ही हो रहे थे, आत्म साक्षात्कार हो गया तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि इंटरवल तक पहुंच गया, 50% यात्रा तो हो गई, अभी बाकी रहा परमात्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार, अभी अंतरंगा शक्ति का अनुभव नहीं, अंतरंगा शक्ति में डूबना नहीं हुआ, उसकी संधिनी संवित और आह्लादिनी तो बहुत अंदर की है। तो सारा ये मार्ग, maybe we'll stop in a few minutes so that if there are any questions or clarifications or comments, suggestions, we can take that. But what I was talking about, the curriculum or the lesson plan or the activities will be and how, where we are, you are here, how, where do we have to go, how do we go from here to here and here to here, what bridges do we have to cross and how do we, what activities, what sadhanas, what literature do we have to follow to understand and therefore be able to get there. ये बहिरंगा शक्ति में जब तक हम लोग है, जैसे अभी है, इसमें जो कर्म करने पड़ रहे हैं, कार्य करने पड़ रहे हैं, लोगों के साथ रहना पड़ रहा है, संभालना, टॉप टॉलरेट करना पड़ रहा है, ये गीता कहती है यज्ञ याचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते, तीसरे अध्याय कर्म योग में आता है, ये यज्ञ की भावना से जो करेगा, अपने लिए नहीं, छोड़ने की भावना से है सामने, इसलिए मुख्य उद्देश्य जिसका अंदर की ओर है, ये बाहर का जो करना पड़ रहा है किया जा रहा है, वो हो गया कर्म, वही सच्चे कर्म है, बाकी अकर्म है, विकर्म है, ये गीता में समझाया था। और ज्ञान क्या है, जो आत्मज्ञान जिसको, ये सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव जिसे हो गया, समझ लिया सत्य क्या, चित्त क्या, आनंद क्या और मैं कैसा, उन तीनों का आधार हूं, ये ज्ञान। तो कर्म क्या है, बहिरंगा में जो भी व्यवहार चल रहा है वो कर्म। ज्ञान क्या है, सच्चिदानंद का अनुभव। और भक्ति क्या है, ये कर्म और ज्ञान के बाद उन दोनों से आगे निकल जाने
निकल जाने की जिसमें फिर इच्छा प्रकट हुई और भगवान की ओर आकर्षित, खाली निर्गुण निराकार आत्म ब्रह्म में ही अटके नहीं रहे, बीच में सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान में समाधि में, लेकिन और अंदर जाने की जिनकी प्रेरणा हुई अंतरंगा शक्ति की ओर, वो फिर आगे ज्ञान को भी छोड़ दिया, भक्ति में लग गए, कर्म को भी छोड़ दिया, ज्ञान कर्म को ढंग से फर्स्ट क्लास करने के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ, चौथा अध्याय पांचवा अध्याय गीता का, उसके बाद ही कर्म से ही ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान अच्छी तरह से पचा के उसको छोड़ के आगे बढ़ गए, सातवें अध्याय से शुरू हुआ, फिर भक्ति में स्थित हो गया, और कर्म ज्ञान और भक्ति तीनों को संभाल के एक साथ समझ के संभाल के जिसने किया, तीनों को बांधने वाला एक साथ करने वाला वो योग गया। उसके साथ जो भी जुड़ा, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, नहीं तो खाली कर्म है, खाली ज्ञान है, खाली भक्ति है। वो कितने लोग देखते हैं भक्ति करते हुए, कितने भजन गाते हैं, दिन रात 24 घंटा करते हैं, कितने चौकड़ी करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, भक्ति 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 भक्ति, फिर भी बस रोते रहते हैं, स्ट्रगल होते रहते हैं, वही फिर से भक्ति तो कर रहे हैं। वो कितने ज्ञानी, ज्ञान की इधर कितनी बातें बताएंगे, सारी गीता पाठ है, सारे सब पढ़े हैं, सब लेक्चर देते हैं, बहुत ज्ञानी है, अनगिनत ज्ञानी है, और कर्मियों की तो ओमा गवा है, दान दे रहे, तीर्थ यात्रा कर रहे, धर्म कुएं खुदवा रहे, हॉस्पिटल बनवा रहे अथवा बिल्डिंगे बनवा रहे, बिजनेस करा रहे, कर्म कर्म कर्म, कर्म है लेकिन योग नहीं है, ज्ञान है लेकिन योग नहीं है, भक्ति है लेकिन योग नहीं है। इस समझ के जो कर्म करेगा वो कर्म को एक दिन छोड़ के ज्ञान में आएगा, ज्ञान सच्चा जिसको पचेगा वो छोड़ के एक न एक दिन भक्ति में आएगा, ये तीनों एक साथ जो करेगा क्योंकि उसका प्रेम हो गया, तो फिर वो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों को पकड़ के फिर हो जाएगा प्रेम योग। जो भी कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, बस एक एक उद्देश्य से प्रेम व्यक्त करने के लिए। इसलिए भगवान ने कहा, तपस्विभ्यो अधिको योगी, कर्मिभ्यश्च अधिको मतः, ज्ञानीभ्यश्च अधिको योगी, तस्माद् योगी भवार्जन। सेकंड फ्रॉम द लास्ट श्लोक इन द सिक्स्थ चैप्टर। और उनमें भी योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना, जो प्रेम योगी है वो सेंट कोर मेरे में सेंटर्ड है, मेरे में एंकर्ड है, खिला उसका ठोक दिया है, उसको छोड़ के कुछ नहीं करेगा, उसको पकड़ के ही तो जितना कर्म, जितना ज्ञान, जितनी भक्ति हो सकेगी, मुख्य प्रेम, भगवत प्रेम को पकड़ के, वही योग है। तो इतना ये पूरा कंप्लीट स्कीमा है, कंप्लीट स्कीमा है इसमें कर्म भक्ति ज्ञान की और अल्टीमेटली योग की। एंड दिस जर्नी वी कैन ट्रैवल राइट नाउ, वी आर इन द आउटर मोस्ट लेयर, वी आर आइदर इन तामसिक और राजसिक और इन सात्विक मोड, एंड समटाइम्स वी आर दिस देयर और दैट, समटाइम्स मिक्स्ड। ये सब आएगा अभी इसी 14वें अध्याय में ही आगे, कि तीनों एक साथ होते हैं, तीनों छोड़कर, ऐसा कुछ नहीं, ये सब 14वें अध्याय का ही मैग्नीफाइंग लेंस के नीचे, ऐसा कोई नहीं आज तक साधु नहीं हुआ, संत नहीं हुआ, गुरु नहीं हुआ, भगवान कहते हैं, जिसमें तमस नहीं था और नहीं है, और ऐसा गुंडे में गुंडा नहीं हुआ जिसमें सत्व नहीं था, नहीं है, नहीं होगा, सत्यता ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, हुआ ही नहीं और होगा ही नहीं जिसमें तीनों गुण नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा बहिरंगा में है, प्रकृति में है, इधर यही है। प्रश्न इतना है कि इसमें कितना है, मात्रा कितनी है, प्रपोर्शन कितनी है, और ये तीन एक दूसरे के साथ खेलते रहते, इसलिए किसी के साथ घृणा, किसी का कुछ ये का प्रश्न ही नहीं, अपना काम का, अपना काम बनाने का प्रश्न है। तो राइट नाउ वी आर समवेयर इन दैट रॉम, एज सून एज वी रियलाइज दैट या वी आर स्टक इन दैट रॉम, बट वी आर नॉट दैट, वी आर नॉट ऑफ दैट वर्ल्ड। हम पर्दे पर जो दिख रहा है गब्बर वो नहीं है, हम तो इधर वो प्रोजेक्टर में जो लाइट थे वो है, गब्बर किस्म के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, और बसंती नहीं, और उसके टांगे नहीं, और किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, मैं तो वो लाइट हूँ जो इन सब को मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। एज सून एज वी रियलाइज और सच्चिदानंद स्वरूप, कम से कम हम अपने तटस्थ शक्ति स्वभाव में आके फिर जो भी धमाधम चल रहा है चलने दे सकते हैं ज्ञान से, और उसके बाद उसके अंदर वाली यात्रा चलो गई कि अच्छा नहीं, अब भगवान नाउ आई वॉन्ट टू सी यू, आई रियली वॉन्ट टू सी यू माई स्वीट लॉर्ड, I really want to be with you.
भगवान 14वें अध्याय में ये श्लोक हमारा हुआ है अभी 2-3 सत्र पहले। दूसरा श्लोक में भगवान ने प्रॉमिस किया था कि मम साधर्म मागता इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म मागता। अर्जुन ये ज्ञान अगर समझ लेगा तो मम साधर्म मतलब मेरे जैसा हो जाएगा, मेरे साथ बैठेगा, मेरा अनुभव तेरा अनुभव हो जाएगा। उसके बाद फिर सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलय न व्यंत्यन्ति, पर्दे पर जो भी चल रहा है अच्छा सीन बुरा सीन गुड बैड अगली यू विल नॉट बी अफेक्टेड बिकॉज यू विल बी सिटिंग विद द प्रोजेक्टर मैन। You, I will be the projector man and you'll be my projector and we'll both watch the movie. You will both know that we're not that. We are projecting it. You will be with me. ये इसी अध्याय में बताई, इस ज्ञान को जो समझ के इसका आश्रय लेगा, इसके अनुसार चलेगा। So I felt like sharing this, as I said, that you will not find this in this way, in any book, in any satsang, anywhere described like this, synthesized together between Achintya Bhedaved and with the magnifying lens of the Gita and transcending and crossing, crisscrossing karma, gyan, bhakti with the touch of yoga, ultimately landing at the center, which is prem. So the more we make it our own, the more we understand it, ekdam gutya chhutti jayegi, sab jhanjhat bhi hote jayenge. So let me stop here. With that lens, then from next time we can re-indulge again in the 14th chapter and the rest of the Gita will become really easy with that lens. So yahan par main rukta hu, agar if you have anyone wants to, we also have dhyan left to do, or fir agar koi prashna ho maybe for the next time or anything other, we can carry forward. So let me stop it.